हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर एक भी वीडियो मिस ना करें। आज हम बात करने जा रहे हैं स्प्लिट्स एंड के बारे में, यानी कि कुछ लोगों की होता है कि हमारे हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये होता है या तो आपके हेयर को अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिल रही है, या फिर उसका एक रीज़न हो सकता है स्प्लिट एंड। तो आज हम स्प्लिट्स एंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्प्लिट एंड से आपके बाल क्यों नहीं बढ़ते, बिकॉज क्या होता है, नीचे के बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं और वो ना स्प्लिट हो जाते हैं। तो स्प्लिट होने की वजह से वो आपकी ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ तक आपका नरिशमेंट जो भी आप यूज़ करते हैं कंडीशनर एनऑल जो भी, उस तक नहीं पहुँच पाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना उनको रिमूव करना है। अपने हेयर को रोल कीजिए एंड नीचे से जितने भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ से स्प्लिट एंड स्टार्ट होता है आपको वहीं से नहीं कट करना है, उससे थोड़ा पीछे से कट करना है। बिकॉज अगर वहीं से स्टार्ट कर देंगे तो वो स्प्लिट एंड दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा पीछे से स्प्लिट एंड को कट करना है, जिससे आपके दोबारा स्प्लिट एंड होने के चांसेस कम होते हैं। अब आपको क्या करना है कि स्प्लिट एंड को और कैसे कम कर सकते हैं। अब आपने कट कर लिया तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। आपको मंथ में एक बार तो ज़रूर अपने स्प्लिट एंड को कट करना चाहिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए हेयर में। और अब क्या करना है आपको, इफ़ आपको और ज़्यादा अच्छे चाहिए बाल कि आप नहीं कट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपके अच्छे हो सकते हैं बाल, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनर लीजिए थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में एंड उसको अपने पूरा रूट्स में अच्छे से लगा लीजिए। उसको लगाने के बाद 15 मिनट्स तक आप उसको रखें, देन आप गर्म टॉल ले उसको अपने हेयर में बांध लीजिए। बांधने के बाद आप उसको 10-20 मिनट्स तक रखें। उसके बाद जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं, आपके स्प्लिट एंड आपको नहीं शो होंगे बिल्कुल भी। थैंक यू। फॉर मोर सच वीडियोज़ इन लोकल लैंग्वेजेस डाउनलोड द बोलो इंडिया ऐप नाउ।